अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज कुछ अम्मी जान बनाने लगी हैं, तो चलें उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज क्या बनाने लगी हैं। जी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत सलाम। और आज मैं ना खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी बनाने लगी हूँ, जिसको जैम कह लें, चटनी कह लें, गर्मियों का ये भी तोहफा है, मुरब्बा कह दें, कच्ची आम जो अचार वाले होते हैं उनका बना रहे हैं हम, कच्ची अम्बियों का। ये देखें जी, 1 किलो अम्बियाँ ले ली हैं और चीनी है, ये थोड़ा सा कलर डालूंगी खूबसूरती के लिए, फूड कलर। और ये पानी है जिसमें मैंने बॉयल के पानी खट्टा फेंक देना है, फिर मैंने जैम तैयार करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने जैम शुरू करने लगी हूँ बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में अम्बियाँ डाल लेनी है। अब इसके बाद इसमें 2 कप पानी डालना है और इसे उबलने के लिए रख देना है, क्योंकि इसका खट्टा पानी सबसे पहले निकालना होता है हमने। अब इसको ढक देते हैं। जी व्यूवर्स, मैं नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ और ये हमारे जो आम है ये भी उबल चुके हैं, कच्चे आम। अब इसको मैं छानूंगी और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो मैंने इसका खट्टा पानी निकाल दिया है ताकि ये बड़ी बच्चियों को और छोटे बच्चों के गले ख़राब ना हो, इसलिए पानी लाजमी गिराना होता है इसका। तो अब देखें, इसमें मैं ना चीनी ऐड करने लगी हूँ, हसबे जायका, जितना मीठा चाहिए किसी को। और फूड कलर जो है ज़रा सा हल्का सा, ताकि इसका कलर प्यारा आ जाए। तो बस अब इसका मिक्स करेंगे और इसका मैं ढकना बंद कर दूंगी। इसको मैंने ग्राइंड करके इसका जैम बनाना है ताकि बड़े और बच्चे आराम से खा सकें। अब चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा मैं और डालूंगी, फिर मैं इसे ढकना रख के थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर इसे ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, अब मेरी ना जैम जो है ये पानी भी छोड़ लिया, चीनी ने भी। अब मैं इसे ग्राइंड करने लगी हूँ। रहमान रहीम, अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। जी व्यूवर्स, तो सारी चटनी निकाल ली है अब जग में हमने, अब इसे ग्राइंड करने लगे हैं। ये देखिए, अब मैं इसे ग्राइंड कर लिया है और एक कढ़ाई में वापस डाल रही हूँ पकाने के लिए। जी व्यूवर्स, तो हमारी आम की चटनी तैयार है। ये आम का जैम तैयार है, रेडी है बिल्कुल। एक आम की चटनी होती है, उसमें एक ग्राइंड नहीं करते होते, जिसमें हमने ग्राइंड किया है इसको। ये अब जैम बन गया, अगर ग्राइंड ना करते फिर ये चटनी होनी थी। इसको हमने ग्राइंड नहीं किया, बस बाकी सेम वही रेसिपी है, वैसी बनाना है सारा कुछ। ये मुरब्बे शेप में बन जाता है और वो अब जैम होगा ब्रेड वगैरह पे लगा के खाने के लिए। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे मुरब्बा और जैम दोनों चीज़ें रेडी हैं। ये अभी गर्म गर्म है, ये हमारा मुरब्बा है जी। इसको सिर्फ ग्राइंड नहीं हमने करना, ग्राइंड नहीं करेंगे तो फिर हमारा मुरब्बा रेड होगा। रेसिपी सेम ही है, जैसे ब्रेड पे लगा के बच्चों को भी दे सकते हैं आप लोग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।